हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का के टू में एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो अनदर लेक्चर अबाउट द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग एंड दैट इज़ अबाउट दी क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर वन जो है हमारा सॉल्यूशंस। तो हम ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं और जो हमने टॉपिक्स अपना प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था उसी को हम आगे आज की वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था दैट वाज अबाउट दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एवरीवन, और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट वाज अबाउट दी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में लेकर चली जाती हूँ टॉपिक को जो हमने पहले कवर कर दिया है एंड दैट इज़ अबाउट दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कोई भी एक ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी अमाउंट ऑफ कॉम्पोनेंट जो आपने एक सॉल्यूशन को बनाने में एड ऑन किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप हमेशा दो कॉम्पोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं जनरली, जिसमें एक आपका होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है आपका सॉल्यूट। तो अगर आपका उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कोई भी प्रॉपर्टी आपके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, उसी टाइप के सॉल्यूशन को आप लोग डिफाइन करते हैं या उसी टाइप की प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन को आप डिफाइन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आज हम उसी की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बट बिफोर स्टार्टिंग टूवर्ड्स द प्रॉपर्टी हम एक ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, एक चर्चा करेंगे हमारे इस पूरे के पूरे टॉपिक के मतलब के बारे में। तो यहाँ पे जनरली अगर देखूँ तो दो वर्ड्स ही हैं इस टॉपिक के अंदर। पहला वर्ड है आपका एलिवेशन एंड द सेकेंड वर्ड इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एक लगता तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है बट अपने आप में अगर हम उसको साइंस के नज़रिए से देखें या स्पेसिफिकली कहूँ केमिस्ट्री के नज़रिए से देखें तो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग सा ये एक टर्म है। जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जब आपका लिक्विड जो है वो बॉयल कर रहा है, जनरली हम यही कहते हैं। या अगर हम किसी छोटे बच्चे को समझाने के लिए कोई भी पॉइंट इस पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो हम यही बोलते हैं कि जिस पॉइंट पर आपका लिक्विड जो है वो बॉयल कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट या ये डेफिनेशन डेफिनेटली उनके लिए सही है जो आपके फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट्स हैं। बट यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से कहूँ साइंटिफिक तरीके से डिफाइन करेंगे एक बॉइलिंग पॉइंट को। उसके लिए सिंपल सी चीज़ आप लोगों को करनी है, आपके पास अगर सपोज़ कीजिए कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंटेनर में आपने सपोज़ कीजिए वाटर जो है वो फिलअप कर दिया है, पानी जो है वो आपने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप ऑब्वियसली इस वाटर को क्या कर रहे हैं, बॉइल कर रहे हैं, आपका काम जो है दैट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है जी, आपने इसको बॉइलिंग की जगह पे हम इसको और सिंपल तरीके से क्या कह सकते हैं, हमने क्या कर दी है, हीटिंग ऑफ वाटर जो है वो स्टार्ट कर दी है। यानी इस पानी को इस कंटेनर में जितना भी वाटर अमाउंट अवेलेबल है अब आपने उसको हीट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब हीट करने से क्या होगा एवरीवन, आपके पास यहाँ पर कुछ वेपर्स जो हैं वो इस लिक्विड पानी के जो हैं वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर इस सरफेस तक पहुँचते ही दे विल स्टार्ट टू एग्जर्ट अ प्रेशर विच इज़ कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय द लिक्विड। ठीक है, ये वेपर प्रेशर क्या प्रेशर है जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़कर आए हैं कि हर एक सॉल्वेंट या हर एक लिक्विड कोई ना कोई अपना प्रेशर क्रिएट करता है, अप्लाई करता है टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और आई कैन से दैट टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एंड दैट इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर भी हमने एक लिक्विड लिया है तो ये भी डेफिनेटली क्या लगा रहा है, आपका एक कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर समझनी है वो ये है कि आपके इस कंटेनर के बाहर, या हम इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करके ये कह सकते हैं कि बाहर जो है आपका क्या प्रेजेंट है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है।
और उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जिस भी जगह पर आप अपने किसी भी लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंटेनर के आसपास या उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के आसपास अपना एक कोई ना कोई प्रेशर होगा और उस प्रेशर को हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लियर एवरीवन? यानी अगर हम इसको सिंपल तरीके से कहें तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़, आपका वाटर जैसा लिक्विड जो है वो इस तरफ से यहाँ पर क्या कर रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है। ये आपका कंटेनर का टॉप है, यहाँ से इसको एक प्रेशर जो है वो एग्जर्ट हो रहा है बाय द वाटर। दूसरी चीज़, आपका एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है जो एक प्रेशर लगा रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर कंटेनर। दिस इज द एटीएम विच इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम डिफाइन कर रहे हैं। और आप अपने वाटर के प्रेशर को सपोज कर लीजिए, आप ले लेते हैं पी, तो यहाँ से पी लग रहा है, वहाँ से आपका क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। दोनों क्या हो गए हैं, अब आपके इक्वल हो गए हैं। क्या बोला हमने, एक पॉइंट आएगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, क्या होगा आपके पास, आपके पास आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल बिकम इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इक्वल हो गए, वो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब क्या होगा, आपने तो हीटिंग ऑफ द वाटर कंटिन्यू किया हुआ है, आप तो इसको दे रहे हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अब आपके सरफेस को ये क्या करना चाहेंगे, छोड़कर बाहर की तरफ मूव ऑन करना चाहेंगे। और उसी पॉइंट पर क्या होगा, उसी पॉइंट पे आपकी बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड स्टार्ट हो जाएगी। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव पी एटीएम इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और वी कैन से दैट प्रेशर ऑफ द लिक्विड। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस पॉइंट जितनी भी एनर्जी दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग, दैट विल क्रिएट द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जाहिर सी बात है, और इससे क्या होगा, इससे आपका लिक्विड जो है वो क्या होना चाहेगा, इट विल ट्राई टू इवेपोरेट, इट विल ट्राई टू मूव आउट ऑफ द कंटेनर, एंड हेंस द लिक्विड reaches its boiling point. यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ सभी को? यानी मैंने क्या कहा, वॉट इज बॉइलिंग पॉइंट, a point at which the atmospheric pressure is equal to the vapor pressure. Of the liquid. Clear हुआ? यानी अब इस particular point के बाद जब दोनों pressures एक दूसरे के साथ equilibrium में आ जाते हैं, यानी दोनों equal हो जाते हैं, उस point के बाद your liquid will start to evaporate. That means at that particular point boiling will actually start. Clear हो गया सभी को? सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस किया था उसकी एक टर्म को हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया है, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड एज बीपी। दूसरा पॉइंट वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड तो एक सिंपल सा वर्ड है, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, लेटर से आप लोग सुनते होंगे एस्केलेटर्स, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अगर आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज कि वो एलिवेट हो रही है।
ठीक है, यानी मूविंग अपवर्ड्स इज एक्चुअली डिफाइंड एज एलिवेशन, ऊपर की तरफ मूव करना इज द एलिवेशन मीनिंग. अब इसको अप्लाई किस पे करना है, उस पे आ जाते हैं. हमें इसे अप्लाई करना है अपने एक बहुत ही सिंपल से किसी भी टाइप के सॉल्यूशन के ऊपर. ठीक, तो पहले में हमने ले लिया है एक सिंपल सा अपना सॉल्वेंट, ए से इंडिकेट कर देते हैं हम इसको. दूसरे कंटेनर में हमने ऐड ऑन करा है अपना एक सॉल्यूट, इसको हम लोग बी से इंडिकेट कर देते हैं एवरीवन. अपने सॉल्यूट को और अपने सॉल्वेंट को हमने मिक्स करके एक बहुत ही सुंदर सा एक सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया है, दोनों को ऐड किया है और हमें मिल गया है एक सॉल्यूशन. सो दिस इज़ दी सॉल्यूशन, एस से इसको इंडिकेट कर देते हैं. ठीक है, अब हमने क्या कहा है, ये जो सॉल्यूट है इसका एक स्पेसिफिक नेचर है, वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल वर्ड, ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में. नॉन वोलेटाइल मतलब ये होता है जो आसानी से इवेपोरेट नहीं हो, आसानी मतलब बिल्कुल भी इवेपोरेट नहीं हो, जिसका नेचर वेपोराइजेशन की तरफ बिल्कुल भी क्या है, इनएक्टिव है. वहीं हमने दूसरी तरफ क्या लिया है, अपना वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है जो कि एक्टिव होगा टुवर्ड्स दी वोलेटिलिटी. अगर आप इसको हीट अप करेंगे तो इसके वेपर्स बड़े आसानी से बन जाएंगे. अब क्या हो रहा है, अगर आप इसको हीट कर रहे हैं, किसको, सॉल्वेंट को, ऑन हीटिंग द सॉल्वेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास बिकॉज इसका नेचर क्या है, वोलेटाइल है, इट विल स्टार्ट टू इवेपोरेट. ओके, यानी क्या बन रहे हैं, वेपर्स फॉर्म एंड दीज वेपर्स विल गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस एंड दे विल क्रिएट अ प्रेशर. व्हाट दे विल क्रिएट, दे विल एक्सर्ट पी नॉट ए प्रेशर. एंड व्हाट इज दिस पी नॉट ए, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, इसने यहां पर आसानी से अपना एक प्रेशर लगाया है, उस प्रेशर को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं अपना वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. सेम स्टोरी हमारे सॉल्यूट की क्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सॉल्यूट क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल. दोनों को आपने मिक्स कर दिया है, नॉन वोलेटाइल नेचर को हम लोग शो कर रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, अब आ जाइए आप लोग इधर की तरफ. जब आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया है तो आपके पास डेफिनेटली आपका सॉल्वेंट है एंड इन दिस सॉल्वेंट यू हैव सम और द अदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट. अब आपने क्या किया है, अब आपने इसको भी इवेपोरेट किया है. इवेपोरेट होने पे आपका ये क्या होगा, ए सॉल्यूशन भी आपका क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा. ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन the pressure exerted is ps everyone. ये ps लगा रहा है, ये आपका लगा रहा है p not a. अब ध्यान दीजिएगा, प्रेशर लगाते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा एंड देन दिस लिक्विड विल स्टार्ट टू बॉइल. वो अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर दिया है. ठीक है जी, तो हम ये मान लेते हैं, लेट अस से दैट बॉइलिंग पॉइंट हमारे सॉल्यूशन का है टी एस. ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टू बी एज टी नॉट. ठीक है, इसको ले लिया है टी नॉट, इसको ले लिया है हमने टी एस. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टी नॉट और इधर है हमारे पास एवरीवन टी एस. ठीक है, अब आप यहाँ पे एक समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आपके पास इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को
ईजीली सरफेस तक जाने में एक हिंड्रेंस मिलेगी। किसकी वजह से? आपके इस नॉन वोलेटाइल ग्रीन डॉट्स जो कि हमारा क्या है, सल्यूट। अब होना क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट आपका तब अचीव होगा जब आपका ये पीएस आपके पी एटीएम से यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। पर इस पीएस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में क्या लगेगी, ज्यादा हीट लगेगी। ऐसे समझ लीजिए मैं आगे की तरफ जाना चाह रही हूं बट मुझे पीछे से कोई है जो पुल कर रहा है, और वो क्या है मेरा, वो है मेरा नॉन वोलेटाइल सल्यूट। यानी जो मॉलिक्यूल सरफेस तक जाकर एक प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं, द नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ ट्रैफिक फॉर दोज मॉलिक्यूल्स टू मूव टू द सरफेस। ये उसी तरीके से बात हो जाती है कि अगर आप एक ट्रैफिक जाम में आपकी एक कार जो है वो स्टक हो चुकी है, तो अब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो सेम चीज़ हमारे क्या है, इन पिंक डॉट्स जो कि हमारा सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ हो रहा है। वो जाकर सरफेस पर एक प्रेशर बनाना चाहते हैं, पर सॉल्यूट जो है वो उन्हें वो काम करने नहीं दे रहा है। तो वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट इन द सॉल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फेस अ हिंड्रेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। NVS में लिख रही हूं उसको, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, एंड हेंस मोर अमाउंट ऑफ हीट is required to vaporize the molecules, and because of which the boiling point is achieved later. Clear everyone? तो अब boiling point अगर achieve होगा later, इसका मतलब क्या है? Henceforth, TS, boiling point of the solution. हम यहाँ लिख भी देते हैं, टी एस इज वॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन। इज हायर, ठीक है। अब ये हायर हम किसके कंपैरेटिवली कह रहे हैं, एक ऐसे सल्यूशन के या एक ऐसे सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली कह रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी प्योर स्टेट में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट के पास यहाँ पर इवेपोरेट होकर सरफेस तक जाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो आपका बहुत ही जल्दी आपके सरफेस के यानी आपके लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है सल्यूशन का, इट इज़ हायर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। It is higher than the boiling point of pure solvent. So we are henceforth writing the very very important statement of today's lecture everyone, and that is that TS is greater than T naught. ये हमने यहाँ पर represent किया है अपना T naught as the boiling point of the pure solvent, and TS we have represented as the boiling point of the solution. तो क्योंकि solution में एक hindrance है solute की वजह से, तो जाहिर सी बात है अब आपको ज़्यादा heat देनी पड़ेगी आपके solvent को solution में vaporize होने के लिए। वहीं solvent जो है वो खाली है, उसमें जो आप आसानी से आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस पर जाकर एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और प्रेशर क्रिएट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इनका जल्दी अचीव हो जाएगा। एंड हेंस फोर्थ वी मूव टुवर्ड्स द टॉपिक टुवर्ड्स द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सल्यूट के एड ऑन होते ही क्या हो गया, एलिवेशन हो गया है। तो हम एलिवेशन को कैसे लिख सकते हैं, एलिवेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एलिवेशन in boiling point, that can be represented as TS
माइनस टी नॉट, ठीक है. सो दिस एलिवेशन इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा टी बी इक्विवेलेंट टू टी एस माइनस टी नॉट. क्लियर एवरीवन? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए सभी लोग. आप इसको क्या पढ़ रहे हैं? हम इसको पढ़ रहे हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने स्टार्टिंग में ही क्या बताई थी, वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं. यानी कि अगर आप यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, खुद सोचिए, अगर यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, इसको एग्जैक्टली आप एक सिंपल लाइव एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं आपके रोड के ऊपर. यानी आपके पास ये जो ग्रीन डॉट्स हैं, दीज रिप्रेजेंट द कार, द व्हीकल्स आर प्रेजेंट ऑन द रोड. अगर वो बहुत ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत टाइम लगेगा घर पहुँचने में. ट्रैफिक अगर बहुत ज़्यादा है तो आप घर बहुत लेट पहुँचेंगे. इन द सिमिलर वे, अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है तो एलिवेशन हमारा बहुत ही ज़्यादा होगा. एंड हैंस फोर्थ वी डिफाइन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो वी कैन से दैट डेल्टा टी बी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड हैंस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड हैंस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ओके, नाउ बिकॉज इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सो हैंस फोर्थ इट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड ओवर हियर वी हैव डिफाइंड द कॉन्सेंट्रेशन टर्म एज मोलैलिटी. सो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. एंड विद दिस वी मूव टूवर्ड्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. And the mathematical expression says that delta TB is directly proportional to molality. Now, when we remove this proportionality sign, we introduce a constant named as elevation in boiling point, which is also known as the elevation constant, molal elevation constant, molal elevation constant. Now we can rearrange this particular formula. Delta TB is equivalent to KB multiplied by molality, can be expressed as weight of the solute upon molar mass of solute multiplied by the weight of solvent. And in the numerator you can add on 1000 if you have the weight expressed in grams. And this is the final mathematical expression. Okay, everyone. Now we can just define the variables of this particular formula. Capital, the small WB represents the mass of solute. Now you can clearly see as the mass of the solute is increasing, the colligative property, the elevation will also increase, and henceforth this is a colligative property. Capital MB represents the molar mass of solute, and then you have WA, which is the mass of solvent, the solvent that you use. Okay, everyone. And definitely what we define KB is the molal elevation constant. And you should also remember that this is actually a constant that depends upon the solvent. Depends on solvent. As you change the solvent, the molal elevation constant will also change. Because solvent hi hai actually jo aapka evaporate hokar surface tak ja raha hai. Sari story aapke solvent ke around hi rotate hoti hai. Uska jo dependence hai wo aapka vary karta hai with the amount of solute. सो अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आती है कि अगर आप डेल्टा टी बी की यूनिट की बात करते हैं तो वो क्योंकि एक टेम्परेचर है तो आपका डेफिनेटली टेम्परेचर के यूनिट्स आप यूज़ करेंगे, या तो आपके पास केल्विन होगा या आपके पास डिग्री सेल्सियस होगा. सो दिस डेल्टा टी बी इज़ यूनिट क्या है हमारे पास, इसकी यूनिट कैन बी डिग्री सेल्सियस और इट कैन बी केल्विन.
So this is all about the colligative property, that is the second colligative property, students, elevation in boiling point. Now let us just quickly summarize what we have discussed today. We have just discussed a very simple topic which actually explains us the elevation in the boiling point, and it also explains that the elevation, the increase in the boiling point, is actually dependent upon this solute. If you increase the solute, अगर आप सॉल्यूट के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप एक तरीके से ये समझ लीजिए हिंड्रेंस बना रहे हैं अपने सॉल्वेंट में, क्योंकि आपका जो सॉल्यूट आपने लिया है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है नॉन वोलेटाइल, जो इवेपोरेट नहीं करेगा. तो आपके सॉल्वेंट को सरफेस तक पहुंचने के लिए सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट जो है वो रुकावट पैदा करेगा, जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है, यानी आप अब आपको ज़्यादा हीटिंग, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे वेपराइज करने के लिए. एंड दिस इज़ दी elevation and boiling point, and we have the mathematical expression for the boiling point that we have represented. Unit हमने देख ली है इसकी, जो है आपके पास given. I hope आपको आज का video, आज का lecture, students सभी लोगों को पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो एक like कीजिएगा और channel को subscribe ज़रूर कीजिएगा.